दिव्यू चलो परफ्यूम लगाओ, अपने लगाओ करो, लगाओ परफ्यूम। नहीं लगाना है? वाओ फेस पे। हाँ ऐसे ही कपड़ों पे लगाए करते हैं, लगाओ। मुंह में नहीं दिया करते बेटा, गलत बात है। नहीं लाओ दे दो। थैंक यू। नहीं वैसे भी खा लिए, थोड़ा सा ही तो है इसमें, कैसे खाओगे। और दीव्य को मैं रेडी कर दिया, आज मैं कुर्ता पजामा पहनाया है इसको। वो क्या कर रहे हैं? सिट सिट, ऐसे ऐसे कौन बैठता है? ओ बैठो, सिट। वाओ गुड गुड। आपके सॉक्स कहाँ हैं? सॉक्स कहाँ हैं बच्चे? हाँ सॉक्स निकाल के लाओ, चलो अपने। हाँ यहीं से सॉक्स निकालो। गुड, आपको सब पता है सॉक्स भी कहाँ रखे हैं। चलो मम्मा आपके सॉक्स निकालेंगी, रुक जाओ। अभी देखती है ना मम्मा कौन सी वाली पहनाएंगे आपको इससे मैच करते हुए। बोलो आप ये वाले पहन लो, ठीक है? क्या बेटे? दे दी बेटा, दे दी, आ जाओ आ जाओ, चलो आओ। देखो यीशु भैया क्या मांग रहे हैं आपसे। नहीं तो इतने तो नहीं वो किए। कैमरे का ना मतलब अजीब सा ब्लर सा हो रखा है क्या? या तो कोई सेटिंग मुझसे खराब हुई, इसने कोई खराब किया, फोन से गिराया किसी दिन, ब्लर हो रहा है। इसको इतना सुंदर तैयार किया था ना मैंने, और इसकी हालत देखो, देखो खुशी, देखो खुशी। कुर्ता नीचे करो, चलना है ना मम्मी करने। कोल्ड कॉफी पियोगे? पियोगे कोल्ड? कितनी कोल्ड कॉफी पियोगे? जिंदगी कॉफी बना दी। हाँ कुछ तो कह रहा है ईशु से, पता नहीं क्या बोल रहा। हाँ अब दो यार दिव्या, कैसे हाथ जोड़ते मंदिर के आगे? आप हाथ जोड़ के दिखाओ। अच्छा तू कुछ कर रहा है ना? अच्छा देखो मैं H&M से एक दिन ये लेकर आई थी, अभी मैं बर्थडे शॉपिंग की थी ना तब, लेकिन मैं सोची इसको ना एक्सचेंज कर लूं। नहीं अपना ही उठाएगा, बट इसका बिल पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैं सोची ट्राई कर लेती हूँ, टैग वगैरह सब लगाया, अगर हो जाता है नंबर से तो ट्राई करके देख, नहीं तो फिर रख ही लूंगी, क्योंकि अच्छी लग रही है, बट मुझे पता नहीं मतलब 50-50 लग रही है, इसलिए मैं डाउट में हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ। ये उस दिन लेकर आई थी जिस दिन मेरे बर्थडे के लिए शॉपिंग कराने गए थे, ये ब्लैक वाली H&M से। हाँ चेंज हो जाती है, बट बिल का इशू है, अगर बिल पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा। हम कर रहे हैं पंकज का वेट, पहले हमें जाना था कहीं और, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं हम यहीं चलते हैं, क्योंकि क्योंकि हमेशा की तरह आज बस बहुत बुरी न्यूज़। वैसे ही बुरी नहीं है, हर डेढ़ महीने में काम होता रहता है, कुछ नहीं, गाड़ी ठोक दी इन लोगों ने, होंडा सिटी ठोक दी यार, पता नहीं रिटर्न करते हुए क्या, पर ये हर डेढ़ महीने में ऐसा होता है, ये होंडा सिटी के साथ यही करते हैं, इसलिए मैं अपनी गाड़ी की चाबी किसी को नहीं देती उनमें से, अगर मुझे देनी पड़ जाए ना तो मेरे सांसें अटक जाती वहीं कि बस। और दिव्यू सारे में देख क्या, देखो गाइस ये क्या हरकत कर रहा है, देखो इसको, देखो सारे इसकी सब बिखेर कर ये खा रहा है, देख लो गाइस इसको, देख लो आप बस, ठीक है? जिस जिसने दिव्यू को फॉलो नहीं किया वो फॉलो करे, ठीक है? इसकी हरकत पर। कुर्ता मैंने उसी लिए पहनाया था क्योंकि इसको कहीं और लेकर जाना था, बट फिर प्लान हुआ कि नहीं चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। देखो डेड हुआ गया, शायद डेड हुआ गया। बैक कैमरा सही आ रहा था, फ्रंट कैमरा में कोई तो इश्यू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या। देखो गाइस इसको, देखो इस लड़के को, देखो कितना रो रहा है ये, और इसको कितने भी अच्छे से तैयार कर लो गाइस, ये ऐसे ही करता है, गंद मचा देता है, इतने प्यार से मैंने इसको रेडी किया है, जो टैग लगा है ना। और देखो इसने क्या किया है, ये आ गया डैडू। चलो कौन है? आ गया संजय। अच्छा आ गया, ये देखो और कौन है,
अच्छा इस रात से हटाइयो फटे ना। हाँ वो दूं क्या कुछ सामान वैसे करने के लिए? आज आप ये वाली टी शर्ट कौन सी है? ये अपने लिए क्या है? अच्छा फर्स्ट टाइम पहनी लेकिन हाँ। इसका तभी मैं सोचू टैग कौन सा उतरा हुआ रखा है। टैग आज ये पहनी है ना? हाँ नहीं सही है इसको तय करके ना फिलहाल अभी अपने वाले रूम में रख ले। अरे इंतजार। अच्छा हाँ चलो ठीक है ठीक है चले फिर लेट हो जाएंगे यार 7 बज गए। देखो बहाने देख वो पता क्या कह रहा है शूज पहनने मुझे इसीलिए वो पैर दिखा रहा है आपको। वो आपसे ही पहनेगा उसको आपसे ही पहनने हैं। नहीं वो उसकी शिवो है जिससे पहन ले। औलाद औलाद ऐसी है वो रखा आपके साइड में लेफ्ट में। हाँ चले अब चलो चलो चलते हैं आज। अच्छा और भी अभी तो कुछ और भी निकालेगा रुक जाओ। पावलो ले अपने मोजा खेल लो ये पावलो का मौजा है। पावलो ले तू खा ले तेरा मौजा आराम से ले ले। हाँ ऐसे ही चलो अब जाएगा फिर पावलो। खोल दिया गेट अपने आओ जल्दी। ये न्यू रेंज आई है इनकी ट्राई में। अच्छा मैंने बताया 2.5 या 3 साल हो गए हमें आए हुए। हाँ इतना हो गया होगा शायद। दिखाओ अच्छा लग रहा है तब बुरा तो नहीं लग रहा है। वर्सेज में भी देख रही हूँ ये बता कौन सा मुझे चाहिए ब्लैक में। नहीं नहीं मुझे चाहिए ब्लैक में। हाँ तो ब्लैक में देख नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा लग रहा है दिखाओ। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। इस टाइप का दिखाना कुछ मतलब इस जैसा ये फ्रेम ये वाला है सच में अच्छा लग रहा है। ये बर्स अच्छे के हैं ये बर दिखाओ। नहीं 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 ये हाँ ग्लॉसी में देखो थोड़ा ना ये वाला ट्राई करना पंकज ये वाला इस टाइप का आपके फेस पे फिर वो प्राडा में भी है ये वाला ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी तो है इनके पास ये वाले प्राडा में। मैं एक बार कौन सा ट्राई कर रही थी हाँ ये फिर भी बेटर है दिखाओ दिखाओ। हाँ फिर भी बेटर है ये लेकिन मुझे ना प्राडा में इसमें मुझे ये कौन सा ये वाला ट्राई किया था ना हमने हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। और ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था और इसमें ये कलर भी अच्छा है। पंकज मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है लेकिन ये ख़राब तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं लेकिन इसको डेली यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते कभी पार्टी वर्टी के लिए। भैया कैसी बात करती है मैडम आप। नहीं नहीं ये तो नहीं लग रहा वो ज्यादा सुंदर मुझे तो पसंद आ गया ये वाला वैसे अपना। ये मेरे कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है ठीक नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। एंड यहाँ पे हमने कर दिए हैं फाइनल जो जो हमें लेने हैं और कल हमें रिसीव हो जाएंगे क्योंकि आज नहीं मिल पाएंगे तो मैं कल फिर से दोबारा आऊँगी इनको लेने के लिए। और फिर हम लोग गए ज़ारा में। ऐसा होता ही नहीं है कभी कि दिव्यू की शॉपिंग ना हो पाए और दिव्यू का जो फेवरेट ब्रांड मुझे अच्छा लगता है वो ज़ारा। ज़ारा कलेक्शन बहुत प्यारा होता है बच्चों का और दिव्यू के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम लोग यहाँ पे दिव्यू के लिए शर्ट जीन्स वगैरह देख रहे थे। एंड बस ज़ारा में एक चीज़ है आपको एक कोई भी बच्चे का मतलब कलेक्शन अच्छा लगे उसके बाद तो आपको अच्छे ही लगते क्योंकि ज़ारा में ना बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आता है बच्चों का। या तो मैं मैक्सिस के लिए परचेज़ करती हूँ या ज़ारा से। कभी कभी
भी बहुत रियर, शायद मैंने एक दो बार फर्स्ट क्राई से लिया पहले कभी, अदरवाइज मैं नहीं, सिर्फ दो ही ब्रांड्स हैं जिनसे मैं परचेज करती हूँ। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आपका बजट अलाउ करता है ज़ारा पे, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ज़ारा का किट सेक्शन। एंड यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आपको ना ज़ारा में से बड़ा कलेक्शन होता है ना, हर 7 डेज बाद चेंज हो जाता है, वैसे ही इनका भी हर 7 डेज बाद आपको न्यू कलेक्शन मिलता है। एंड यहाँ पे हम इसको ट्राई करके देख रहे थे कि इसके साइज़ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों का ना एक साइज़ थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि इसकी ना बहुत बढ़ती हुई उम्र है अभी, तो अगर आप इस एज मतलब एग्जैक्ट एज का ले लोगे तो कुछ मतलब 2 महीने 3 महीने बाद छोटे हो जाते, तो थोड़ा सा साइज़ मैं बड़ा लेती हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए भी कुछ ले लूँगी, तो देखते हैं पहले इसकी इसका, क्योंकि हम पहुँचे ही बहुत लेट हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्टोर हैं वो बंद होने वाले हैं, तो शायद मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ परचेज़ कर पाऊँगी या पंकज कुछ ले पाएंगे। कोई बात नहीं, दिव्यू की शॉपिंग कम्प्लीट हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम लोग शूज़ वगैरह भी देख रहे थे, बट मुझे ना स्केचर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ये सोची थी कि दिव्य को ना स्केचर के ही दिलवाऊंगी, बट नो डाउट ज़ारा का ना शूज़ का कलेक्शन भी बहुत ही प्यारा था, बाद में कभी ट्राई कर लूँगी, बट अभी मुझे ज़ारा के ना लेकर ना स्केचर के ब्लैक कलर के चाहिए इसके लिए। एंड बढ़ती हुई उम्र है तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा मैं सोची थी कि है इसके पास, तो थोड़ा सा लेट देखूँगी 2-4 महीने बाद। एंड दिव्यू ने यहाँ पे जो हमने पहले शॉपिंग की है उसका कैरी बैग लिया, इसको तो हर जगह ही होता कि जब भी शॉपिंग करने जाओ ना कैरी बैग ही पकड़ लेता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प जो करता है शॉपिंग बैग पकड़ने में। एंड बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बिलिंग वगैरह करा देंगे और देखते हैं हमें कुछ मिल पाता या नहीं मिल पाता। हम लोगों ने यहाँ से भी लिया है ज़्यादा से, अभी देखते हैं कुछ और, मुझे जींस और देखनी है बस। देखो दिव्यू ने कर लिया शॉपिंग, दिव्यू जा रहा है बेटू भी बिलिंग करानी है, आओ दिव्यू आओ इधर, बच्चे आओ। मशक्कत कर रहा है, चढ़ गया चढ़ गया। ईशु को तो कुछ समझता ही नहीं है। कुछ और क्या क्या है उसके बाद रात। अभी हम लोग आए हुए हैं अभी हल्दीराम में, यहाँ से कुछ खाते हैं और ये देखो। ये आपके काम की चीज नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो रो रहा है दिव्यू, रो रहा है, सब अनफॉलो करो दिव्यू को। और देखो ये मम्मा का पर्स, हमेशा मम्मा का पर्स लेता है, गलत बात है ना आपकी, गलत बात है ना, है गलत बात। चलो गॉड डेड कोक लिया है, ये वैसी वाली बॉटल नहीं थी। अच्छा चलो हमारे लिए आ गया हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था, हम खाएंगे। ये देखो दिव्यू, देखो हमने ये ऑर्डर किया था, हम ये खाएंगे। पंकज ने अपने लिए मंगवाया है, ईशु ने अपने लिए, लास्ट टाइम का सेम ऑर्डर रिपीट किया हम लोगों ने। खाओ 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 नींबू खाओ खाओ, निकाल दी सॉरी प्यार, नींबू खा अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी गाड़ी का वेट, पीछे डी कैथलॉन ने लगाया हुआ है अपना पूरा, मैं दिखा देती हूँ, चलो रुको। ये देखो बस मार्केटिंग कर रखी है पूरी, और आज हम लोग की बहुत सारी शॉपिंग हो गई, और जो हमने और सामान लिया है वो कल भिजवा देंगे घर पर, तो अभी हमने पिक नहीं किया है, बस कल हमें सामान मिल जाएगा। ये मैं कल की ब्लॉग में बताऊंगी क्या हमने घर के लिए ऑर्डर किया है। हेलो गाइस वीडियो बनाओ चलो। अच्छा उधर जाना है, इसको उधर की साइड जाना, उधर अब ये जा नहीं, इस पे भी अपने आप चढ़ने लगता है ये दिव्यू, ऐसे कैसे बैठो, बस गिर मत जाना पापा। नहीं गिर जाओ, हमने ध्यान नहीं दिया ना उस टाइम पे, अपने आप चढ़ के बैठ गया, देखो देखो कैसे बैठा हुआ है, पीछे करना इसको, चलो मम्मा जा रही हैं, बाय। वो तो कह रहा है बाय दिव्यू, बाय।
हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अभी भी 10 मिनट लग जाएंगे। वैली पार्किंग में टाइम तो लगता है यार। चलो बेटू ये गिर जाएगा, चलो चलो। हाँ वो जब आप निकलना हो ना तभी आप कर दो ज्यादा, बस तभी आप कर दो कि पहुंच रहे हैं। ये भी हम बाहर ज्यादा देर तक थोड़ी खड़ी ना ना, एक टाइम होता बेटू गिर जाएगा यार। देखो 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 देखो, फोन ले ले ले, चलो बाय। शूज पहन लो आप अपने, आओ चलो। कहीं भी बैठ जाता है। अभी हम परचेज करके लाए, अब आप इसको रीसेल कर दो। वो डैड आपको ढूंढ रहा था। आओ बेटा शूज पहन लो चलो। ये भी दो। ये नहीं बेटा, ये नहीं। मम्मा देख रही है, मम्मा देख रही है, बहुत डांटेंगी फिर। इधर आओ। मैं चल रहा हूँ। कुछ तो कह रहा है पर समझ में नहीं आ रहा। आ गई। चलो बेटू।